नमस्कार, मैं हूं अवधूत दास, आपका अपना पर्सनल क्लेयरवॉयंट सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर। ये जो शब्द है क्लेयरवॉयंट, ये क्या चीज़ है भला? क्लेयरवॉयंट उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके अंदर क्लेयरवॉयंस की क्षमता हो। ये क्लेयरवॉयंस अब भला क्या चीज़ है? ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। वो लोग जब क्लेयरवॉयंस कहते हैं, वो कहना चाहते हैं क्लियर विजन। क्लियर हो गया क्लियर, वॉयंस हो गया विजन, यानी स्पष्ट दृष्टि। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं तत्व दर्शन, जैसा जो कुछ जहाँ है, यहाँ वहाँ, इस समय उस समय, अतीत में या भविष्यत में या वर्तमान में, जहाँ जो कुछ है, यहाँ वहाँ कहीं भी है, उसको तत्व रूप में समझ पाना, यानी तत्वदर्शी बनना। सो क्लेयरवॉयंट शब्द का अर्थ क्या है? तत्वदर्शी, सीयर ऑफ द ट्रुथ। और क्लेयरवॉयंस हुआ तत्वदर्शन, जैसा जो है तात्विक रूप में, तत्व रूप में, वैसे उस चीज को समझ पाना, उसका हमें बोध होना। बोध कैसे होता है? समझ के होता है, मन में सुनकर होता है, समझ कर होता है, देख कर होता है, एहसास करके होता है, बस बोध होता है, हम समझने लगते हैं बात को। ये हो गया तत्व दर्शन। दर्शन सिर्फ आँखों से नहीं, समझ कर, महसूस करके वो भी, सुनकर वो भी, स्पर्श करके वो भी, सूंघ कर वो भी, आस्वाद करके वो भी, पांचों इंद्रियों और मन के द्वारा जो हमारे पास बात पहुंची, उसे कहा दर्शन, तत्व रूप में क्लेयरवॉयंस। एग्जाम्पल, किसी के हार्ट के किसी आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज है। कौन से आर्टरी में? लगभग कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है? ये अगर बिना एंजियोग्राफी के ध्यान अवस्था में आपको बोध हो जाए, तो कहा जाएगा आप क्लेयरवॉयंट हैं, आप तत्वदर्शी हैं। ठीक है, उसी प्रकार से किसी को किडनी स्टोन है, या स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है कल या आज, एक महीने के बाद, इसे कहते हैं क्लेयरवॉयंस। आप जिस संपर्क में जा रहे हैं, जिस संबंध में जा रहे हैं, वो रिलेशनशिप आज से 2 साल के बाद कैसा होने वाला है, 5 साल के बाद कैसा होने वाला है, 20-30 साल के बाद कैसा होने वाला है, आप जो सोच रहे हैं फलाने व्यक्ति को अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊं, क्या ये सही रहेगा? कहीं वो आपके पीठ में छुरा तो नहीं भौंकेगा, आपको धोखा तो नहीं देगा, लटका तो नहीं देगा, तकलीफ में तो नहीं डाल देगा? पहले से चेक कर लीजिए क्लेयरवॉयंस के द्वारा। जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हैं नौकरी के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं 3 महीने के बाद वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए जब आपको तनख्वाह मिलना बंद हो जाए, या कोई घोटाले में वो फंस जाए और उस चक्कर में आपको भी कहीं जाना पड़े जहाँ आप जाना पसंद नहीं करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ताला लग जाए उस कंपनी में और आप अपना सब कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? बैंकों की भी बात है, किसी बैंक में आपने अपना जमा पूंजी डाल दिया और बैंक वहाँ पे बंद हो रहा है और आपको कहा जा रहा है कि 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने पैसे, तो कहाँ पे क्या करना चाहिए? टेंडर जब आप डाल रहे हैं कितना कोट करें वहाँ पर? आप जब अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उनके मन में क्या शंकाएं चल रही हैं? अगर आपको पता चल जाए, ऐसे ही पूर्वाभास हो जाए, उनके मन की बात आप बोध कर लें क्लेयरवॉयंस के द्वारा, तो इससे पहले कि वो जो नेगेटिव थिंकिंग है अपनी जड़ बनाए, वहीं पर उसका समाधान कर दीजिए, और वो फिर कहेंगे आप तो हमारे मन की बात समझ लेते हैं, यानी आपके ऊपर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, आगे जाकर कहीं भी
कोई चिंता करने की बात नहीं रहेगी, आप सारा कुछ समझ जाएंगे और समस्या होने से पहले ही उसका समाधान दे देंगे, तो ठीक लगते हैं आप हमको। तो ये जो है क्लेयरवॉयंस के द्वारा हम पहले से पूर्वाभास कर सकते हैं। इसका जो कितना फ़ायदा है उसका कोई लिमिट ही नहीं है। कोई गहने खो जाते हैं घर पे रखे हुए, शायद घर ही के किसी बुजुर्ग महिला ने देखे गहने यहाँ रखे हुए हैं, तो उन्होंने बड़ा संभाल के, चोरी ना हो जाए ऐसा करके संभाल के कहीं पे छुपा के रख दिया है, कहीं ऐसे ही बाहर रहे चोरी हो जाए तो संभाल के रख दे। परंतु बुजुर्ग व्यक्ति हैं, भूल गए उस बात को, अभी उनसे पूछा जाए तो बोले नहीं मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रही हैं, बस उनके चेतना में नहीं हो वाली बात, बुजुर्ग हैं, मेमोरी पावर कम हो सकता है, और वो भी ढूंढ रही हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं, मिलने के बाद वो बोलेंगे अरे याद आया तो मैंने ही रखा था यहाँ पर तब तक तो टेंशन हो रहा है ना, किसी और को दोष दे रहे हैं कि इसने चोरी किया होगा, उसने क्या होगा। परंतु क्लेयरवॉयंस के द्वारा आप पता कर सकते हो घर पे है कि और कहीं पर है, अच्छा घर पे है, घर पे कहाँ है, ऐसे करके आप तत्व दर्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में कोई सीरियसली बीमार हो जाता है, इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करना चाहिए या घर रह के ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये क्लेयरवॉयंस के द्वारा आपको पता करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अस्पताल में भर्ती नहीं करने से इनका नुकसान होने वाला है और आप घर में ही रख लेते हैं तो फिर गड़बड़ होगा, और उल्टा भी, क्या पता अस्पताल जाने से नुकसान होगा, ये जो जर्नी है, जो रास्ता है, इस यात्रा के दौरान गड़बड़ हो सकता है। या कभी कभी हो जाता है कि इंसान 2-5 बीमारी लेके अस्पताल जाता है, वापस आते वक्त 13-14 लेके वापस आता है, बोनस के साथ फ्री मिलता है इंटरेस्ट रेट के साथ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहीं इस बार तो ऐसा नहीं होने वाला। किस सर्जन को या डॉक्टर को दिखाएं, ऐसा हो सकता है जिस दिन फलाना सर्जन ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले हैं या ब्रेन सर्जरी करने वाले हैं या ऐसा ही कोई बड़ा सीरियस कुछ करने वाले हैं, उस दिन सुबह सुबह जब वो घर से बाहर निकलने ही वाले थे, उनका बेटा रिपोर्ट कार्ड लेके आ गया कि पिताजी साइन कर दीजिए, और वहाँ पे डॉक्टर, क्या कहते हैं, टीचर ने, प्रिंसिपल ने बड़ा दिल खोल के अच्छे से कुछ बातें लिखी थी, तो पिताजी का मूड खराब, बच्चे को थोड़ा फटकार दिया, और इसमें जो मूड खराब हुआ ऐसी थोड़ी अनबन हो गई अपनी घरवाली के साथ, और ओवरऑल मूड खराब होने के कारण जल्दबाजी में आ रहे थे तो ट्रैफिक में कुछ वायोलेशन हो गया, शायद जहाँ लाइन है उसको क्रॉस करके खड़े हो गए, लंबा चौड़ा चालान लग गया, और वहाँ पे तर्क वितर्क भी बहुत कुछ हुआ। ऐसे में मूड खराब होकर बौखला कर वो जब पहुँच रहे हैं अस्पताल, पहला सर्जरी उनका है जो आपके बड़े प्रिय हैं, ऐसे खराब मूड में जहाँ वो गुस्सैल अवस्था में है, भड़के हुए हैं या नेगेटिव फील कर रहे हैं, इरिटेटेड फील कर रहे हैं या डिप्रेशन दुख फील कर रहे हैं, ऐसे में वो आपके प्रियजन का ऑपरेशन करेंगे, बहुत ही सीरियस टाइप का ऑपरेशन, तो चांस है, हल्का सा चांस है कुछ अच्छा ना हो, शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। वैसे ये बड़े रिस्पॉन्सिबली करते हैं हर डॉक्टर, हर सर्जन, उन पे हमें शंका नहीं करनी चाहिए, परंतु इंसान है वो भी, मन पे इफेक्ट तो होता ही है, कितना भी हम क्यों ना कर लें कि अपना काम मुझे दायित्व से करना है, अगर मन के अंदर घाव है, दर्द है, पीड़ा है, वो छलक तो जाता ही है, पर उस चक्कर में हमारे प्रियजन का नुकसान हो सकता है ना, तो मन ही मन उनको हीलिंग कर दो, डॉक्टर को, कि उनका मन अच्छा रहे और शांत और सुखी मन के साथ और बड़े ही शार्प इंटेलिजेंस के साथ हमारे प्रियजन का वो सर्जरी करें। या लगता है कि इनको ठीक नहीं किया जा सकेगा, एनर्जी बहुत ख़राब होने वाली है, तो उनको सिलेक्ट ही नहीं किया, किसी दूसरे सर्जन को या डॉक्टर को हमने सिलेक्ट किया। तो इस प्रकार से क्लेयरवॉयंस हमें बहुत ही हेल्प करता है। स्टूडेंट्स लोग,
बहुत 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 इंपॉर्टेंट। हाउ अबाउट प्रेडिक्टिंग योर क्वेश्चन पेपर? जी हाँ, आप परीक्षा से पहले जैसे टीचर के पास जाते हैं और टीचर से कहते हैं, टीचर टीचर प्लीज़ बताओ ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, क्या आ सकती हैं परीक्षा में, किन चीज़ों की तैयारी करूं, और टीचर भले मानुस बता भी देते हैं कि भाई ये पढ़ लो, ये ज़रूर पढ़ के जाना, इसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। एक ओवरऑल गाइडेंस टीचर लोग दे दिया करते हैं, क्योंकि बड़े प्यारे टीचर हैं और आप भी प्यारे हैं, तो प्यारे प्यारे के बीच में सब अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी हो जाता है। तो ये जो सामने बैठकर मुंह से बोलकर हम टीचर से पूछ रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी असल में। आप और कहीं बैठकर मन से, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, टेलीपैथी, सब्जेक्टिव कम्युनिकेशन करके टीचर का ओपिनियन ले सकते हैं कि टीचर टीचर ये जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए किन चीज़ों की तैयारी करूं, क्या मुझे कम से कम तो तैयार करके ही जाना चाहिए। तो जब फेस टू फेस पूछेंगे तो शायद उस समय टीचर का मूड नहीं तो थोड़ा सा बताया, सब नहीं बताया, पर टीचर के मन में था कि और भी कुछ पॉइंट्स हैं। परंतु जब माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन किया तब किस बात का ब्लॉकेज, किस बात का लिमिटेशन, टीचर के हृदय में मन में जो कुछ है सब का सब ट्रांसफ़र होकर आपके पास आ जाएगा। डिटेल्ड में पहले से आपको पूर्वाभास हो जाएगा, इंट्यूशन हो जाएगा कि एग्ज़ाम में शायद ये आए, ये यहाँ से कुछ आए, शायद थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। इसका फ़ायदा क्या? मान लो किसी परीक्षा में आपको जो पुस्तक पढ़ के तैयारी करनी है वो 250 पेजेस का बुक है, बड़ा मोटा चौड़ा बुक है वो, और कितना कुछ पढ़ना है। परंतु अगर आपका इंट्यूशन इन 250 पेजेस के अंदर से आपको मात्र 40 पेज देता है, यानी साल भर तो 250 पेज पढ़ लिए, ये नहीं कि पढ़ा नहीं है, पढ़ाई तो की है, परंतु अभी जो आखिरी मोमेंट में जो रिवीजन करना है, एक रात पहले जो रिवीजन करना है, वहाँ पे इन 40 पेजेस को रट लीजिए, घोल के पी जाइए, उसको समझ जाइए, अपने मन में, दिमाग में, तन में, बदन में बसा लीजिए उसको, क्योंकि शायद पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इन्हीं 40 पेजेस से आने वाला है। नहीं, अगर इन 40 के बाहर आया तो साल भर का समय था ना, पढ़ा तो है आपने सब कुछ। ये तो लास्ट मोमेंट रिवीजन को ऑप्टिमाइज करने के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको छटपटाना ना पड़े, हड़बड़ी ना करना पड़े, इधर उधर अंधेपन में मतलब तुक्का ना मानना पड़े। जबकि उसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, अपने ही अंतर चेतना की जो नज़रें हैं, कि जो बोध शक्ति है, उसका व्यवहार करके मोर और लेस एक्यूरेट फोकस आप प्राप्त कर सकते हैं, और फिर वो वाला फोकस्ड स्टडी कीजिए। तो ऐसे करके हम इन चीज़ों कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में ठीक ऐसा ही कर सकते हैं। आपके संतान का भविष्य, उसको किस कैरियर में डालेंगे, होटल मैनेजमेंट में, या नैनो टेक्नोलॉजी में, या एरोस्पेस साइंस में, या जेनेटिक इंजीनियरिंग में, या क्रिकेट में, या पेंटिंग, या गाना बजाना। मान लीजिए आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बड़े ही सफल हैं आप, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, काम अच्छा कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, पर शायद आपके अंदर छुपा हुआ एक टैलेंट है स्टैंड अप कॉमेडी का, या गाना गाने का, या इंस्ट्रूमेंट बजाने का। उसको अगर आप निखार पाएं, बढ़ा पाएं, अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार पाएं, तो जीवन बहुत ही फैंटास्टिक हो जाएगा। आप बहुत ही सफल रहेंगे अपने जीवन में, अपने करियर में, दूसरों को भी बहुत आनंद आएगा आपके कंट्रीब्यूशन से। कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना, लगता है कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं फंस गया हूँ, क्या पता हो भी, शायद ना हो, शायद आप खामखा वहम में सोच रहे हैं कि गलत जगह पे हूँ, मुझे तो वो करना चाहिए, नहीं उसमें ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, यही शायद सही है। तो कैसे पता करें ये सही है कि वो सही है, ये करूँ या वो करूँ,
करूं तो क्या करूं? डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ऐसा डिसीजन लेना जो सब लोगों के लिए भला हो, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न्ड, उस प्रकार का डिसीजन। और डिसीजन अपने लिमिटेड इंटेलिजेंस, लिमिटेड विजन, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेड विजडम के आधार पर नहीं, बल्कि हायर डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर एक डिसीजन लेना। जैसे कहा जाता है ना, कभी कभी पेड़ों के चक्कर में हम ये भूल बैठते हैं कि ओवरऑल जंगल का जो वन है, फॉरेस्ट है, इसका लेआउट क्या है, कहाँ पर क्या है, क्योंकि हम इंडिविजुअल पेड़ों में खो गए हैं, इंडिविजुअल पौधों में खो गए हैं, वहीं पे अपने दिमाग को, मन को लगा के बैठे हुए हैं, असली चीज़ भूल गए हैं। कभी कभी एक और चीज़ होता है, हम मेडिटेशन करने बैठते हैं ये सोच के कि आज ये वाला काम करना है, पर जब करना शुरू किया भूल गए उसको, वे लेड हो गए, यानी किसी और राह पे भटक के चले गए, हमारे मन का फोकस हट जाता है, होता है ना ऐसा? अगर हमारे मन का फोकस अनायास ही बार बार हट सा जाता है, तो जब हम फोकस्ड नहीं हैं, तीर की तरह सीधा तकलीफों को चीरते हुए, कठिनाइयों को भेदते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर वो बढ़ना भी क्या बढ़ना है, एकदम लेजर शार्प फोकस हमारे अंदर होना चाहिए, क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आत्मा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ बहुत अच्छा सटीक होना चाहिए, विजन अच्छा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, गोल और पोस्ट गोल इफेक्ट्स उनके बारे में एकदम स्पष्ट होना चाहिए मन में। ऐसा जीवन हो तब कोई बात बने ना। तो ये आप कर सकते हैं जब आप क्लेयरवॉयंस का सपोर्ट लेंगे। जी हाँ, तो क्लेयरवॉयंस या तत्वदर्शन सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, ये बिजनेस की बातें हैं, ये स्टॉक मार्केट की बातें हैं, ये आपके पर्सनल लाइफ की बातें हैं, ये आपके एंटरटेनमेंट की बातें हैं। मान लीजिए आपके परिवार वाले सब मिलके बोलते हैं, भाई चलो सिनेमा देखने चलते हैं, इस मॉल में या इस थिएटर में जाते हैं, आप हिसाब लगा के देखते हो आज अच्छी खासी कम से कम 5,000 रुपये की चपत लगने वाली है, मान लो आपका हिसाब लगा, क्योंकि वहाँ जाके खाली थोड़े ही बैठेंगे, वहाँ भी कुछ खाना पीना हुआ और महंगा हिसाब बन सकता है, अप्रोक्सीमेटली मान लो 5,000 का आज खर्चा होने वाला है, और आपको पता नहीं जिस सिनेमा के लिए जा रहे हो ये सोच के कि बड़ा फैंटास्टिक और अच्छा मूवी है, अच्छा पिक्चर है, क्या पता महाबोर महाफालतू हो, और फिर आपको लगे दुर इतना सारा समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, एनर्जी बर्बाद हुई, पार्किंग के चक्कर में और देश दर्शन अलग से हो गया या शहर का दर्शन अलग से हो गया, यहाँ से वहाँ भटकते भटकते, और अगर बारिश वारिश है तब तो और भी तकलीफ। तो क्यों ना पहले से पूर्वाभास कर लीजिए, क्या करूँ, क्या करना चाहिए, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, ये सही रहेगा या वो सही रहेगा। कभी कभी कुछ पिक्चरों में, सिनेमा में ऐसा संदेश होता है, ऐसे चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बच्चों के दिमाग को बहुत गाढ़े तरीके से इन्फ्लुएंस कर देता है, और आपके अनुसार वो सही गठन नहीं हो रहा है चरित्र का आपके बच्चों का, और बाय चांस आप वही सिनेमा देखने चले गए उनके साथ, तो बच्चे भी सोचेंगे पिताजी का या मम्मी का अप्रूवल है कि भाई ये सब ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि सिनेमा में दिखाया जा रहा है कुछ खराब व्यवहार या खराब आदतें, खराब सोचने के तरीके, खराब काम करने के तरीके शायद दिखा रहे हैं, वो एक स्टोरी लाइन है, उसके अनुसार कुछ चल रहा है। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे क्या देखते हैं, स्पेशली टीवी पर क्या देखते हैं। एक कार्टून आता है, बड़ा ही फेमस कार्टून है, जहाँ पे एक बिल्ली होती है
और एक चूहा होता है। ये बिल्ली चूहे वाला जो कार्टून है बहुत ही फेमस है, शायद आपको खुद को भी देखने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा आनंद आता था, बड़ा मज़ा आता था उसको देखने में। परंतु क्या ये बिल्ली चूहे का जो फेमस कार्टून जो पिक्चर है ये देखना चाहिए बच्चों को? एंटरटेनिंग है, मज़ा है, हल्का फुल्का है? नहीं, इसमें एक सबलिमिनल सबकॉन्शियस लेवल पे एक मैसेज जाता है। उस सीरियल के बारे में सोच के देखिए, उस कार्टून के बारे में, वो बिल्ली चूहा वाला जो कार्टून है उसमें क्या होता है, अधिकतर केस में एक जना दूसरे के पीछे लगा हुआ है, ठुकाई कर रहा है, मार रहा है, तड़पा रहा है, छटपटा रहा है, दूसरे को तकलीफ में डाल रहा है कि नहीं? या तो ये उसको तकलीफ में डाल रहा है या वो इसको तकलीफ में डाल रहा है, अधिकतर समय पे ये हो रहा होता है, एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। और सिंस वो कार्टून इतने अच्छे तरीके से एक्चुअली बनाया गया है कि बड़ा एंटरटेनिंग लगता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में क्या संदेश गया कि दूसरों को तकलीफ देना बड़े मज़े की बात होती है, बड़ा आनंद की बात होती है, बड़ा मज़ा आता है उसमें, क्या एंटरटेनमेंट होता है, क्या एंजॉयमेंट होता है, किसी का तकलीफ हमारे लिए एंटरटेनमेंट, किसी को तकलीफ देना एंटरटेनमेंट की बात, खुशी की बात, आनंद की बात। यस, सबलिमिनली सबकॉन्शियस में यही मैसेज जा रहा है, आप चाहें ना चाहें, यह है साइकोलॉजी। हम देख तो एंटरटेनमेंट रहे हैं और एंटरटेन वो कर रहा है, हम आनंद पा रहे हैं, पर किन टॉपिक्स पे आनंद पा रहे हैं? किसी के तकलीफ के टॉपिक पे आनंद पा रहे हैं, किसी को मारना, थड़पाना, चीटिंग करना, इन चीज़ों पे, किसी को तकलीफ में डालना, इन चीज़ों पे हमको एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो सोचिए कैसा चरित्र गठन हो रहा है उस नन्हे से शिशु का, उसके माइंड में क्या बातें जा रही हैं। बस पीटो, बस मारो, बस चीटिंग करो, बस तकलीफ डालो और इसमें बड़ा मज़ा आएगा, हा हा हा, कितना आनंद। तो उसके सबकॉन्शियस में बातें जा रही हैं ना। आप बड़े हो गए हैं, आप बुजुर्ग हैं, मैच्योर्ड हैं, आपको समझ आ रहा है, मतलब बुजुर्ग का मतलब बूढ़े नहीं, मतलब ग्रोन अप है आप, आपको समझ आ रहा है कि वो तो बस एक सीरियल है, एक कार्टून है, छोड़ो, बस जब देख रहे हो तब देखो, बाद में भूल जाओ। परंतु छोटे बच्चे तो बड़े इंप्रेशनेबल होते हैं ना। छोटे बच्चों को अगर बोले वो चोरा गया, वो डर जाएगा, अरे ये हो गया, वो हो गया, तुमको ये खाना नहीं खाओगे तो ये पुलिस वाले अंकल आके तुमको ले जाएंगे या डॉक्टर आके इंजेक्शन लगाएगा, तो बच्चे डर जाते हैं ना, उनको जो कहा जाता है वो मान लेते हैं। तो ये सीरियल, ये जो कार्टून वाला सीरियल है चूहे बिल्ली वाला, ये भी उनके माइंड में डाल रहा है। तो ये सब आपको पहले समझ आना पड़ेगा ना। कैसे होगा? तत्व दर्शन के द्वारा। कॉल कीजिए मेरे ऑफिस में, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 9836338102, 9836338102। भारतीय समय सुबह 11 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक किसी भी समय पे फ़ोन कर लीजिए, सोमवार को मत कीजिएगा। और ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो अगर कॉल नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिए। ऑफिस आवर्स के बाद कॉल करना, जो लोग कॉल अटेंड करेंगे उनका भी तो एक पर्सनल लाइफ है ना, तो फिर ऑफिस आवर्स के अंदर ही कॉल कीजिए, बाकी समय पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए। हाँ, पब्लिक हॉलीडेज़ के दिन भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा ऑफिस बंद रह सकता है। आप जहाँ भी निवास करते हैं अपने शहर में, अपने देश में, वहीं से आप हमारा मात्र 2 दिवस का जो ट्रेनिंग है ये, इसको अटेंड कर सकते हैं। आपके पास बस एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, आजकल तो सबके पास है। हमारे पास एक वेबिनार सॉफ्टवेयर है, उसमें आप लॉगिन करेंगे और पूरा का पूरा फेस टू फेस मेरे सामने बैठ के आप ट्रेनिंग करेंगे अपने घर से ऑन इंटरनेट ब्रॉडबैंड पर। तो कॉल कीजिएगा और देखते रहिएगा ये जो प्रोग्राम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स TV पे, और आप मुझे पा सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर भी, नीचे उसके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। तो जब तक अगली बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार।